नानक नाम आराधना कार्य आरास तार जी अरे एक टेक तू ला बेदानी आस नानक नाम ते आई है कार्य आरास जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन पवित्र गोदर बहुत ही प्यार नाल भावना नाल उचेचे तौर पर सजाए हुए देवान की हाजिरी पर रही गुरु प्यारी गुरुस्वारी संगत जीओ प्यार सहित गुरु फतेह नाल सांझ पाओ ते सारे ही गज के आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरमत ज्ञान मिशनरी कॉलेज की टीम वालों जिथे पिछले लंबे समय तो पिंडां दे विच पहली मई तो लैके 30 जून तक कैंप लगाए जा रहे सन उस विच होर वादा करदिया होया गुरमत ज्ञान मिशनरी कॉलेज की प्रोफेसरां दी सीनियर टीम ने एक यतन आरंभिया कि सिखी लहर चला के गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी की विचारधारा और गुरबाणी अनुसार सिख इतिहास गुरुआं का जीवन सिखां का जीवन समाज के विच आईया हुई बुरियाइयां धर्म के नाम के उत्ते कीते जांदे कर्म कांड इन्हां दे बारे संगत नूं जानकारी दित्ती जावे। एक यतन है और छोटा जिहा यतन है उस तहत जम्मू के अंदर इस प्रचार फेरी का यह अखीरला दिन है। एक ए दीवान एक शाम का दीवान होएगा फिर समा बनेगा आप संगत दे जरूर चरण परसे जाणगे। एक दो मैं बेनती आरंभ दे विच कर देनियां जरूरी समझदा आं ते ये समझियां भी जांदियां ने। सतगुरां दी बाणी दी महानता दे संबंध अंदर जेडे विचार सांझे कीते जा रहे ने गुरु प्यार वाले ओ अर्थ अंतले नहीं ना इन अर्थां उत्ते कोई अंतम निर्णय है। विद्वानां दे कोले बैठ के जिन्नी समझ आ सकी आ वो तुहाडे तक पहुँचाउण दा यतन कीता जा रहा है। ये घट्टो घट सिद्धांत दो दूनी चार वांग अटल होना चाहिए। दूसरी गल जदों कोई नावलकार नावल लिखता है कहानीकार कहानी लिखता है उदों की हुंदा है वो पात्र समाज विचों लैंदा है। आपां अखबार विच जां कोई नाटक एकांगी कहानी लेख पढ़ते हैं तो जिहड़ा लेखक हुंदा चिंतक हुंदा उन्हें समाज दीआं बुरियाइयां नूं लोगों के सामने रखना हुंदा वो पात्र समाज विचों लैंदा तो जदों असीं वो कहानी पढ़ते हैं इंज लगता हुंदा कि ये शायद बंदा मेरे घर की कहानी लिख रहा है। असल विच समाज विच आए हुए निगार की वो कहानी लिख रहा हुंदा है। जदों कोई स्टेज पर बैठ के गुरु की गोद अंदर बैठ के गल की जाएगी तो उहदा अर्थ स्थानक संगत स्थानक प्रबंध स्थानक ग्रंथी साहबान उन्हां लई नहीं ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਗਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਿਗਾਰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਿਗਾਰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਿਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਕ੍ਰੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕ੍ਰੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ
तो किसी के उत्ते कोई गल ठोसी नहीं जाएगी जिनी कि समझ लग जाए तो वधिया, नहीं तो भाई असी जिहो जे हैं उस तरह ही हाँ। एक होर विचार, असी कई बार ये भी गल कह दें जी शरदा ना तोड़ो। शरदा है कि जी टुटनी है, जे तो गुरु साहब से शरदा बनी है तो शरदा कदे भी नहीं टुटेगी। शरदा कि टुटती है जी कर्मकांड वाली है। मैं अक्सर मिसाल देना हूं भाई, गुरु नानक पातशाह जी ने जो पहला प्रचार दौरे आरंभे ने, तो प्रचार दौरे आरंभद वो हरिद्वार की धरती उत्ते गए ने। मेरा ख्याल है काम बहुत जरूरी है, हौली भी गल कर सकते होने बंदे, मेरा खासा ही कम लगता उन्होंने कोई बड़ी वड्डी समस्या जापते ने। तो असल साड़ी साइकी बन गई है, इतने गल शुरू कर ली है भाई। माँ ने बच्चे का सिर वाया, कंघा किया, छोटी दस्तार सजाई, मूँह चुमया, बच्चे ने स्कूल तोड़ दिता। बच्चा स्कूले पहुँचया, अपना बैग क्लासरूम के रखिया, टिफिन उत्थे क्लासरूम च रखिया, बच्चा बाहर आ गया। बाहर आके बच्चे ने गमलिया नूं पानी देना शुरू किया, गमलिया नूं पानी दिता, फुलां नूं पानी दिता। हौली हौली अध्यापक आने शुरू हो गए, अध्यापकों ने साइकिल साफ किए, अध्यापकों ने जोड़े साफ किए, पॉलिश किए। अद्धी छुट्टी का टाइम आ गया, बच्चे ने अध्यापकों के टिफिन लैके प्रशादे गर्म किए। अद्धी छुट्टी सारे अध्यापकों प्रशादा छकाया, सारे अध्यापकों शाबाशे, बच्चा बड़ा अच्छा, बच्चा बड़ा वधिया। पर वो बच्चा क्लासरूम विच नहीं गया, क्लास स्कूल विच आया। अद्धी छुट्टी हुई, निकलिया समा छेवें पीरियड विच, बच्चे ने टिफिन धोते, अध्यापकों ने साइकलों के स्कूटरों के कारां विच टंगे। अठवां पीरियड होया, घंटी बजी, बच्चा क्लासरूम विच गया, बैग चुकिया, घर आ गया। सवाल है कि वह बच्चा पढ़ाई करेगा, अगली जमात में जाएगा कि वह बच्चा अगली क्लास में जाएगा। बहुत सारिया बीबिया ने सिर हिला के कहा भी वह बच्चा उत्थे ही रहेगा, अगली क्लास में कदे भी वह नहीं जा सकता। यही हालत साड़ी सिख कौम की है। कोई गुरपुरब लै लो, कोई समागम लै लो, दीवान के समय लंगर तैयार होता है, कोई बंदा आण के जोड़े खड़ जाता, वह कहिंदा इहो सेवा बड़ी वड्डी है। कदे भी उन्हें दीवान विच आण के सुनना नहीं है। कोई लंगर बनाई जाएंगे, रौला पाई जाएंगे, वह कहणगे भी इहदे उत्ते सेवा कोई नहीं हैगी। आए, नमस्कार की, बस्ता क्लासरूम च रखिया, गोल विच पैसे पाए, कोई कथा वाच का रागी आ उहदी भी सेवा कर दित्ती, ठीक है, फिर चले गए। कदे भी दीवान विच बैठने का यत्न नहीं किया, गुरु साहब को सबक से लिया ही नहीं। तो सारी छुट्टी हुई बैग चुके, वो सारी छुट्टी बैग चुकना की है, आप भाई कड़ा प्रशाद लै जाओ, देख लै जाओ जी, गुरु की बख्शिश लै जाओ। कड़ा प्रशाद लिया तो घर चले गए। ये गुरपुरब किहड़े गुरु का सी अज भई, अज पता नहीं लगे, साख ही कि सुनाई है। ये साड़ी तुहाड़ी पंजाब की सारे की एको ही हालत है, ये तो मुनकर नहीं हो सकते। असी ये लंगर सवेरे 8 बजे तक भी तैयार हो सकता है। दूजी गल है भी लंगर के चक्कर च नहीं पैना चाहिए। हुण वेखो, मैं एक प्रशादा छकिया सवेरे, ठीक है, मैनू 2 बजे तक लोड़ कोई नहीं। तुसीं भी सवेरे 2-2 ब्रैड के पीस परौंठे 2-2 छके होणगे, 2 बजे तक लोड़ कोई नहीं। वो एक बजे दवान की समाप्ति कर दी, प्रशादा घर जाके छक लीए आपां। यानी साडी कौम च इंज लगता जिवें खाण विच उलझ गई है। लंगर जे तैयार ही करना तो घट्टो घट सवेर के टाइम के लंगर तैयार कर लो गुरपुरबां उत्ते। जे कोई रागी ढाडी जी नूं भेड़ा देनी आ, कोई प्रचारक सद्या, उहदी गल भी सुन लो बैठ के। तो ये तुहाडे इत्थे नुक्स नहीं है, ये साडी सारी कौम दे अंदर एक बड़ा वड्डा नुक्स आ चुके है। फिर मैं होर देखिया, आ जोड़े चुकणगे, थले हाथ लाउणगे, मूँह ते लाउणगे, जोड़े खंगार तो लंघ के आए है, गंदगी नूं लग के आए है। ये कि निम्रता होई भला बई, हैं, जोड़े थले हाथ ला तो मूँह ला लो, मूँह के नाल दाड़ा आ, केस है, साफ हो के गुरद्वारा साहब में आइए, जोड़े नूं हाथ ला के अंदर आई जावांगे। असी हाँ जोड़े थां पर थां रखने भी चुके न जान, चोरी ना होण। कई तां इदां दी निगाह भी हुंदी आ भी नवां जोड़ा किहड़ा पुराना उत्थे रख दे, भुलेख ना जे वेख लिया, अच्छा तेरा सी लाता उत्थे। इदां दी प्रक्रिया भी है।
तो गुरु प्यार वालियो असी गुरु ग्रंथ साहब के महत्व नूं गुरुद्वारे के महत्व नूं असी समझण दा यतन नहीं किया। असी क्लास रूम च बस्ता रखिया, शाम नूं कड़ा प्रशाद लै के घर नूं असी चले गए। तो इस वास्ते गुरु प्यार वालियो थोड़ा जिहा इन्हां गल्लां वल ध्यान देने की लोड़ है कि आया ये गुरद्वारा इन्नी वड्डी रकम ला के बनाया जा रहा है, इहदा लाभ की है सानू। तो जिवें मैं बेनती कर रहा सी कि कुछ बीमारियां पंजाब विच ने, कुछ बीमारियां इत्थे ने, उन्हां सारियां दा असीं विचार भी करना, तो उन्हां दा समाधान, उन्हां दा हल भी लभना है। हुण मैं श्लोक लगा तुहाडे सामने रखण, कबीर गुर लागा तब जानी है, कबीर गुर लागा तब जानी है, मिटै मोह तन ताप, हरख सोग दाजै नहीं तब हर आपै आप। गुर लागा, कबीर साहब का विचार है, फरमान है कबीर, गुर लागा तब जानिए। गुर का की अर्थ है गुरु ग्रंथ साहब जी, लागा का की अर्थ है कोल बहना, लागा का अर्थ है अखंड पाठ करवाना, लागा का अर्थ है संगरांद नूं किते जां होर दीवान ते गुरद्वारा साहब विच आण के भेटा रख के संगत विच बैठना, लागा का अर्थ है लड़की का विआह, लड़के का विआह असीं गुरु ग्रंथ साहब की बाणी का अखंड पाठ करवा लिया। ये चीज़ां सारियां होण पर इन्हां च तत् भी होना चाहिए। जे तत् खत्म हो जाए तो वह कर्मकांड बन जाता है। जिवें मैं बेनती की सी शरदा दी भी गुरु नानक पातशाह हरिद्वार गए ने, तो हरिद्वार की वेख्या उन्होंने, बड़े स्याणे ब्याणे ते बड़े धार्मिक व्यक्ति जिन्हां ने मत्थे ते तिलक भी लाया होया, वो की कर रहे ने, वो चढ़ते नूं पानी सुट रहे ने। ते गुरु साहब ने पूछया भी तुसीं भलिओ किहड़ा काम करदे हो, कहिंदे मैं काम बड़ा नेक कर रहे हैं। किहड़ा नेक काम कर रहे हो? वो कहिंदे भी तुहानूं पता भी साडे बजुर्ग मर गए सी। कहिंदे हाँ जी। कहिंदे भी वह मात लोग तो सचखंड विच रह रहे ने, तो पितर लोग विच रह रहे ने, असी ना साल बाद इत्थे आउने ते पानी दे देने आ कि विचारे किते प्यासे ना मर जाण, मरे तां पहले होए सी, भी इन्हां नूं मर चुकियां नूं असी पानी दे रहे हैं अपने बजुर्गों नूं। इहदे नाल की हुंदा जी, इहदे नाल जी फसलां वड्डियां हुंदियां ने, घर च बरकतां हुंदियां ने, ते पानी अच्छा बड़ा नेक कम करदे हो। गुरु साहब ने गल कही सी भी चाहीदा देश भी जिउंदे मापिआं दी सेवा करो, पर वो तां तुसीं कीती कोई नहीं, हुण अलांबा लाउण लई मरिआं नूं तां पानी देई जा रहे हो, कम नेक करे शाबाश करो कम। गुरु साहब ने नहीं कहा भी हट जाओ, गुरु साहब ने कहा शाबाश है, नेक कर्म है, घट्टो घट जिउंदिआं तां नहीं पुछिआ, मरिआं तां सेवा कर रहे हो ना, शाबाश है तुहाडे। ये किन्नी दूर सूरज है जी? कहिंदे काफ़ी दूर है, उत्थे पित्तर लोग साडे रहिंदे आ। कहिंदे अच्छा। तो गुरु साहब कहन लगे मरदानिया भी आपां तां निकले आ प्रचार फेरी दे, लोकां नूं सच दे नाल जोड़न लई, ते पिता जी पिछे इकले ने। कहिंदे हाँ जी ठीक है जी। फिर आपां करिए भी आपां भी कोई उहनां नाल हैल्प करा दईए। कहिंदे गुरदेव पिता जरूर करवाउणी चाहीदी है। ये दसो गुरदेव पिता आपां किद्दां हैल्प कर सकदे आ इत्थे? कहिंदे हैल्प कर सकदे हाँ, आपां भी पाणी देणा शुरू करिए। राय भोली तलवंडी आपणे खेत आ, जमीन है, इत्थे फसलां नूं पानी देईए आपां। मरदाना कहिंदा काम तो बड़ा वधिया। गुरु साहब जी लहिंदे वाले पासे नूं, पंडित चढ़दे वाले पासे नूं, गुरु साहब लहिंदे वाले पासे नूं पानी सुट्टन लग पए, दवा दव पानी सुट्टी जाण। ठीक है जी। ते हुण जिहड़े धार्मिक आगू सी जिन्हां दी शरधा टुटदी सी उह भज्जे भज्जे आए, ते जे दे पंजाबी होणगे पंडित उहनां भाऊ कहा होएगा, माझे दे होणगे भाऊ जी इदां ही कहा होएगा, भाई साहब कहा होएगा, जां भैया साहब कहा होएगा, अपनी बोली विच आण के कहा होएगा भाऊ जी की करदे हो? गुरु साहिब करना की आ, पिता जी पिछे कल्ले आ, आखिया चल हैल्प करा दईए, थोड़ा पानी खेतों नूं दे दईए। है किन्नी क दूर जे? बस 450 मील होना इत्थों, लाहौर ते लाहौर तो शेखूपुर, ते शेखूपुर तो गा राय भोए दी तलवंडी, ते राय बलार साडे उत्थे अपने इलाके का वो राजा है, इलाके का चौधरी है। मेरे पिता जी पटवारी ने, साड़िया खेतों फसलों ने, और फसलों जी कणक पक रही, विसाखी का दिन सी ना, फसल पक्या हुई भी सोचा पिता जी कोई चारा वगैरह बीज लैन गए, पानी दे दिए। एक वड्डा पंडित जिहड़ा अपने आप नूं बहुता धार्मिक आगू खवाउंदा सी, कहिंदा नौजवान आ ध्यान दई,
तेरा पानी तेरे पैरों से डिग रहा उत्थे कितना पहुँचेगा। गुरु साहब कहते अच्छा वाकई गल ठीक है, मैं तो वेखे नहीं अच्छा पानी पैर डिगदा। कहने हाँ हाँ, कहते जे मेरा पानी पैर डिगदा तुहाडा कित्थे डिगदा। कहते ये भी साडा भी इत्थे डिगदा। फिर कहते जे मेरा पानी पैर तुहाडा पानी पैर उन्होंने कितना पहुँच गया। उन्हां दी श्रद्धा टुट गई, ज्ञान आ गया। पर जिन्हां नूं ज्ञान नहीं आया वो अज भी लोग पानी देण जा रहे ने, ते जिन्हां नूं ज्ञान आ गया मुड़ के पानी देण नहीं गए। असीं अपनी श्रद्धा बनाई है, अपनी मत दे मुताबक बनाई है। श्रद्धा का अर्थ की है? श्रद्धा का अर्थ है गुरु के उपदेश अनुसार चलना, यह श्रद्धा है। गुरु के उपदेश अनुसार चलना यह श्रद्धा है। हुण ख्याल करियो, बाबा बंदा सिंह बहादुर का जीवन पढ़ना हो ना, डॉक्टर सुखदयाल सिंह की बड़ी प्यारी पुस्तक है। असी बहुत थावां ते शहीदां दे नाल इंसाफ नहीं किया। भाई मनी सिंह की शहादत दे नाल इंसाफ नहीं किया। बाबा जरनैल सिंह की शहादत दे नाल इंसाफ नहीं किया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ज्योति जो समाए ने उत्थे भी आपां इतिहास जिहड़ा भी अपनी मर्जी नाल वो गुरप्रताप सौ साख ही लिखिया होया, पर गुरु साहब की जिहड़ा ज्योति जो समाउण दा वो इतिहास है जिहड़ा आम करके नामधारी सुनाउंदे ने गुरमुख दी कसवटी दे पूरा उतरदा नहीं है। इस वास्ते गुरु प्यार वालियो, श्रद्धा, श्रद्धा का अर्थ है ज्ञान। हुण जिहड़ा कवर ते चादर चढ़ा रहा है वह कहिंदा बड़ी श्रद्धा है। जिहड़ा कहिंदा भलिया भी पत्थरां दे उत्ते सीमेंट की बनी हुई इस ढिल दे उत्ते हरे रंग की चादर चढ़ाउंदा कोई लाभ नहीं, कहिंदा तू मेरी श्रद्धा तोड़ना। इस तरह ही गुरबाणी अंदर भी साढ़े गुरद्वारे भी कहानी आ गई है। जिहड़ा बंदा धूपां धकाई जांदा कहिंदे बड़ी श्रद्धा है, पाठी पाठ करता होवे ना तो उन्हूं खंघ आई जाती है, सह चढ़िया होंदा विचार नूं। मैं तो कई बार कहना भी धूप नहीं दिखा रहा ना, ये ग्रंथी की नासी तू ही दे रहा है, पाँच पाँच धूपां दिखा दे को लाभ हैगा है जी, ये जी बड़ी साड़ी श्रद्धा है। वह बाबा बेचारा बैठा होंदा आ, वह जदों जी करता चार पाँच धूपां कट्ठिया ला लैंदा, वो दिमाग में भी घर में धूपां दिखाने नाल ही हुण बरकत आनियां ने। इस वास्ते कहिंदे साड़ी श्रद्धा है। इस वास्ते धर्म के नाम से जिहड़ी श्रद्धा है ना वो अंधविश्वास है। ज्ञानहीन श्रद्धा बहुत माड़ी है, तो श्रद्धाहीन ज्ञान वह भी लाभदायक नहीं है। दोनों गल्लां नुकसानदायक है। श्रद्धा हैगी है, ज्ञान कोई नहीं कोई लाभ नहीं। ज्ञान हैगा तो श्रद्धा कोई नहीं, गुरु साहब के उत्ते वह भी कोई लाभ नहीं है। हुण देखो कई थावां दे उत्ते श्रद्धा की है। असीं देखिया मंदरां दे विच ना भी शिवलिंग नूं जां मंदरां नूं कच्ची लस्सी नाल धोई जांदे ने। असीं सोचा साडी भी श्रद्धा होनी चाहिए है, साडा भी बहुत वड्डा काम होना चाहिए है। असीं की लाभ लिया, असीं आखिया जी निशान साहब आपां कच्ची लस्सी नाल धो लीए साडी भी श्रद्धा है। हुण देखो लोहे दा निशान साहब आ ते कौम कच्ची लस्सी नाल उहनूं भी धोई जा रही है। ये ज्ञानहीन श्रद्धा है, इहनूं कहिंदे ने अंधविश्वास। कच्ची लस्सी नाल निशान साहब नूं धोई जाणा ते थड़े नूं आण के मत्था टेकी जाणा ये अंधविश्वास है। ये निशान साहब दस रहा कि गुरु के प्यार वाला अंदर जाके मत्था टेक, गुरु ग्रंथ साहब जी अंदर हन। निशान साहब दसदा है इत्थे बाथरूम बड़े साफ होणगे। अज जम्मू दे विच एक गल बड़ी कमाल दी देखी है, गुरद्वारे बहुत आलीशान बने ने, बड़ी खूबसूरती है, मुबारक है तुहानूं। बाथरूम चले जाओ ना, बस स्टैंड में माड़ा हाल है। गुरद्वारे बड़े खूबसूरत पर कितें बाथरूम चले जाओ ना तो इदा लगता जिमें पंजाब के गए गुजरे बस स्टैंड होने, तो उत्थे भी चंगे बन गए हैं। यानी करोड़ों रुपया गुरुद्वार के लगे है पर बाथरूम जोड़े ने एडे गलीच इन्ने गंदे, हाथ धोने लिए भी कितने मुकम्मल प्रबंध नहीं है। इन गलों वाल निके निके गलों वाल ध्यान सानू बड़ी वड्डी ये देने की अज जरूरत हैगी है। तो इस वास्ते गुरु प्यार वाले श्रद्धा साड़ी बहुत है पर ज्ञान साढ़े को घट है। जिथे ज्ञान हैगा आ उत्थे श्रद्धा है नहीं। इस वास्ते दोनों गलों का तालमेल होना चाहिए। तो मैं एक बेनती कर रहा सी, कबीर गुर लागा तब जानी, गुरु ग्रंथ साहब जी दे कोल बैठना जां मस्या दे जाके इशनान कर लेना जां दीवान दी हाजरी भर लैनी जां गुरपुर मना लेना तां ही सफल आ जे गुरु की आग्या नूं मन लिया जाए। ठीक है जी। हुण असीं पंजाब दे विच इक दवाई दिंदे आ, पंजाब च नशे आ गए नशे आ गए, नशियां दी दल दल तो कोई बंदा भी नहीं बचिया होया, कोई स्टेट भी नहीं बची हुई, चाहे जम्मू लै लो कुछ इत्थे घट होएगी। इत्थे सिखी सरूप भी सानूं देखण नूं मिलदा, मुबारक है। पर एक इत्थे होर गल भी देखी है, खास तौर पर नौजवानों विच
नौजवान बच्चों नू दस्तार तो नफरत जी लगती है, माफ करियो शब्द चंगा नहीं है वैसे, नौजवान बच्चे जड़े ने दस्तार तो हेठ जी करते हैं। मैं देखिया, मैं राती भी दीवान च गया, राती बहुत ज़्यादा सी, परसों भी दीवान में गया, तो इन्होंने जूड़े पता किदां दे कीते हुए ने, वो जिवें शिव टलियां नहीं बजाउंदे हुंदे, वो गां नू उत्ते बोधी जी कीती हुंदी आ, विच मोर दे खंभ लाए हुंदे ने, वो बिल्कुल टिक्की जी रखी हुंदी सिर, प्रॉपर पटका भी नहीं बद्धा हुंदा। राती मैं देखिया सियाने बैणे बच्चे दाड़े मूँह दे उत्ते आए हुए और उत्ते ऐ टिक्की जी माड़ी जी उत्ते पटकी जी बन्नी हुई, तो जूड़ा गांह नू कीता, मैं मोर दे खंभ ही ला ला, वो शिव जी दा रूप बन जाएगा तेरा, वो मंगदे नहीं फिरदे हुंदे, हाँ जी, वो टली च पैसे पाउंदे आ, हाथ में नहीं पैसे पाउंदे आ, तो मंगते हैं दुकानों के, देखो असी वो नकल कर ली। फिर मैं राती भी बेनती की, हूँ भी बेनती की, भी असी जूड़ा ही गैप कर दिता है, भी सिर ज टिंड जी लगे बाहरों, भी केस तो रखे हुए हैं पर देखने ए लगे भी दिसन ना केस, जानी असं दस्तार तो भी कन्नी कतराउण लग पे हाँ। हुण तो गुरद्वारों में देखो एक सादा पहरावा होना चाहिए, सादा पहरावा, असी पहरावे वाल भी ध्यान देने की लोड़ है, सादा पहरावा बच्चियां दा भी, बच्चियां दा भी, आ टी शर्टा जी कई बार बंदा पा के आता ना, माफ करे हो, ये मुकम्मल पहरावा नहीं, तुसी आप ही सियाने सूझवान हो, हुण मैं ज़्यादा कहाँ तो भैड़ा जहा लगता है, क्योंकि शब्द नहीं ना चंगे है, ढुकवें शब्द नहीं ना है, भी मैं पिछों आखा भी झग्गा चुकया जाता, मत्था टेकन लगे, चंगा नहीं लगता, ये चंगे बच्चों का, चंगे परिवारों का, चंगे खानदानों का पहरावा नहीं है। प्लेग्राउंड में जाके खेलना टी शर्ट पा लो, पर गुरुद्वारे आन के बिल्कुल पेंटा थले जगह, थाईलैंड में धूंदा जी साहब गए से, आप पिछले थाईलैंड ने पूछ लो भी गुरजंत सिंह जी गए से, वो अलाउड नहीं करते जिन्हें पेंट थले करके बन्नी हो, टी शर्ट पाई हो, लंगर से वरता नहीं देंगे है, मुकम्मल पहले कपड़े पा के है, ये जो पहरावा ही नहीं ठीक हैगा, सन लोग कहे कि, तो इस वास्ते गुरु प्यार वाले हो, दूर दराड़ विच भी गया होया जिहड़ा सिख है ना, वो अपनी पहचान दसदा। मैं डॉक्टर गंडा सिंह की याद आ गई है, डॉक्टर गंडा सिंह होना ने ना बाबा बंदा सिंह बहादुर का जीवन बड़ा प्यारा लिखा जी, पढ़न योग है, शायद तुसा पढ़िया भी होएगा, डॉक्टर सुखदयाल सिंह ने बड़ा प्यारा जीवन लिखा, डॉक्टर दलगीर साहब ने बड़ा प्यारा जीवन लिखा है उन्हों का, तो वो डॉक्टर गंडा सिंह जी बाहर के मुल्क गए। डॉक्टर गंडा सिंह एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें थां पर थां जाके रिसर्च की है, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला दे विच ना बहुत सारे विद्वानों दी जीवनियां मिलदियां सानू, जीवनियां पढ़न वालियां ने, वो कहिंदे ने मैं एक होटल विच ठहरिया ते एक वेटर बीबी वो बार बार आन के मेरा दरवाजा खड़काउंदी, मैनू देखदी है, कदे बारी विच दी देखदी है, मैनू ऐ लग्गिया भी मैनू डिस्टर्ब कर रही है। मैं कहिंदे भी होटल मैनेजर कोले गया तैयार हो के, मैं कहा भी ये बीबा मैनू डिस्टर्ब कर रही है बार बार। उस वेटर बीबी नू बुलाया तो मैनेजर कहन लगा भी तू क्यों इनू जाके डिस्टर्ब करनी है, उन्हें गल कही, कहिंदी मैनू ना किताबां पढ़न का शौक है, साडी कौम नू किताबां पढ़न का शौक नहीं है जी, डॉक्टर कपूर लिखते ने नरेंद्र सिंह कपूर, कहिंदे हर मनुख नू हर रोज़ 10 पन्ने जरूर पढ़ने चाहिए ने, हर सिख नू सहज पाठ पढ़ना चाहिए, हर सिख नू इतिहास लिटरेचर गुरबाणी इत्यादिक 10 पन्ने रोज़ दे पढ़ने चाहिए जे असीं तरक्की करनी है ना। वो कहिंदे ने गुरु नानक का मिशन जिहड़ा वो ठाणियां कचहरियां का नहीं है, गुरु नानक का मिशन लाइब्रेरियां का हस्पतालां का ते स्कूलां का है, ये ठाणियां कचहरी जे हुण देखो बाणी पढ़ी होवे ते भला साडे केस कचहरियां कोर्ट विच चलणगे साडे। मैं तो कई बार हैरान हुंना भी गुरु ग्रंथ साहिब का आसरा ला के ते परिक्रमा कीती हुंदी आनंद कारज कीता हुंदा आ ते तलाक करन लगे गुरु साहिब नूं पुछदे नहीं भी तलाक करिए कि ना करिए, असीं आनंद कारज गुरु ग्रंथ साहिब तों पुछ के तलाक अपनी मर्जी दे नाल। तो खैर डॉक्टर गंडा सिंह कहिंदे भी डिस्टर्ब कर रही हो, बच्ची नूं पुछिया बीबी नूं पुछिया भी भैणा भी तैनूं की समस्या, वो कहण लगी मैनूं पढ़न का शौक है, मैं हिस्ट्री पढ़ी है ते मैं ये पढ़िया कि इस तरह इंडिया दे विच कोई पंजाब है ते पंजाब दे विच इस तरह सिख रहिंदे ने, उन्हां दा आगू भाव गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी 10 गुरु साहिबान, ते उन्हां कोल एक धार्मिक ग्रंथ है जिन्हों वो बड़े होली बुक कहिंदे ने, बड़ा नमस्कार करदे ने, सवेरे उठदे ने नितनेम पढ़दे ने दस्तार सजाउंदे ने कंघा करदे ने। मैं ये सोचती सी वाकया ही अमृत वेले उठाया है, ये वाकया ही किसने कंघा किया, वाकया ही ने दस्तार सजाई है कि ईरान का कोई मुसलमान आ,
डॉक्टर गंडा सिंह ने मेरी अखा चथरू आ गए, हाथ ही उड़ गए, करगियां वालिया मेरी नहीं मेरी कौम की लाज रख ली है। जे मैं अज ना उठता तो हो सकता है भी ये बच्ची की निगाह में सारा ही कहने सारी कौम ही इदा दी होंगी है। इस वास्ते मेरी कौम के नौजवान बच्चा तू कौम का गां आगू बनना है, तू थोड़ा सचेत हो। इस वास्ते आप थोड़ा सचेत होइए, अपन मर्जिया के नाल पहरावे दस्तार गवाते जा रहे हैं, पंजाब वाले केस गवा ले आप दस्तार गवाते जा, फर्क तो उत्थे ही है। मैं रात भी कहा हूँ भी कहना आ निकिया निकिया पटकियां जी बन के आप तुरे फिरते हैं चंगा नहीं लगता। कई वाले मूँह ने दाड़े भी आए हैं बाजार जाते हैं बिल्कुल चंगा नहीं लगता। पुराना एक जमाना मैं याद आ साडे पिंड मिस्त्री सिंह जिन्होंने सारे पिंड सिखी शामिल किया जां सिख बनाया, बड़ी वड्डी देण आ मेरे ताया जी ने उन्होंने को गुरबाणी के अखर सीखे। गुरु प्यार वाले वो ऐसा परिवार से जदों बजुर्ग बैठे होंगे सी उन्होंने अगों की कोई लड़ छड़ के पग बन के नहीं जा सकता हों, तो मेरे पिंड में कोई दाढ़ी कट के उन्होंने अगों की नहीं लंघ सकता हों, परना बन के अगों की नहीं लंघ सकता हों, इन्ना उन्होंने पिंड में सत्कार सी। तो अज गुरु ग्रंथ साहब के सामने असी वो पटकियां जी बन के आ जाने, मैं समझना भी वह बजुर्ग तगड़े सन साढ़े नालों। तो इस वास्ते डॉक्टर गंडा सिंह के जीवन तो एक सेध मिलती है कि सानू केवल असी अपने आप नहीं सानू दुनिया देखती है कि तू दुनिया के किस तरह प्यार दे नाल विचरन वाला तेरा पहरावा की है। तो कबीर साहब कबीर गुर लागा तब जानिए, तब जानिए तदों समझा जा सकता है जदों मिटा मिटे का अर्थ आ लिखा होया कुछ किसे दिमाग की चेतनता दे विच मिटा मोह तन ताब। अखंड पाठ कराया समागम करवाया दीवान की हाजरी भरी तदों जानी जा सकती है जदों मेरे दिमाग विचों मोह मिट जाए। मोह की है? मोह माड़ा नहीं जी है, मोह बड़ी प्यारी चीज़ है। जे माँ का बच्चों नाल मोह नहीं है तो कदे भी माँ चपेड़ नहीं मारेगी बच्चे सिद्धियां करने वास्ते, जे मोह नहीं है। जिस माँ ने चपेड़ नहीं मारी वह प्यार भी नहीं कर सकती, सच ये है। सियाने कहिंदे न्याणा चंडिया रंबा चंडिया कम आउंदा है। अज एक एक बच्चा होने के नाते बच्चों का लाड़ इन्ने लड़ा ले कि साडे बच्चे सिखी नालों भी दूर चले गए। सिखां दी घट रही जिहड़ी चिंताजनक एक विशा है, सदातर सेम सिंह चेयरमैन दिल्ली वाले ने एक बड़ा वधिया लिखिया भी सिखां दी घट रही गिणती। 1991 की मरदमशुमारी में सिखां दी गिणती 2 करोड़ सी। मैं नहीं कह रहा तथ नहीं, ये कुछ कारण भी है, घटने के कारण ये कुछ बेसिक कारण भी आप उन्होंने भी समझ लीए। 2011 की मरदमशुमारी में साड़ी गिणती जिहड़ी पंजाब दी है ना 1 करोड़ 30 लख रह गई। ये 2-3 कारण ने। पहला कारण तो यह है कि राधा स्वामिया ने भी अपना कलम वखरा लै लिया, नामधारियां भी अपना कलम वखरा लै लिया। दूजा कुछ जिहड़े गिणती करन आए सी अफसर उन्होंने वो सिखी वाला जिहड़ा खाना सी उहदे विच भी की भरना, हिंदू भरना सिख भरना ते पंजाबी भरनी हिंदी भरनी आ, असी ख्याल नहीं किया। उन्हां लोकां ने साडी बोली भर दित्ती हिंदी ते नाल भर दित्ता सानू सिख नहीं, नाल सानू भर दित्ता हिंदू। ये भी कोई एक फैक्ट है जिहदे नाल साडी जिहड़ी आ भी कुछ जिहड़े गिणती करन वाले आए अफसर सी उन्होंने भी साडी गिणती घटाई, ते राधा स्वामियों ने भी अपनी गिणती वक्री लिखा ली, नामधारियों भी लिखा ली वक्खो वक्री लिखा ली। तो उंज भी जिहड़ी साडी गिणती है, हाँ गुरुद्वारे अगे नो वध गए ने, गुरुद्वारे अगे नालों बहुत वध गए, पर गिणती जिहड़ी है साडी दिन ब दिन जिहड़ी है वह घट रही है, चिंताजनक विशा है। कबीर गुर लागा गुरद्वारा बनाउणा गुरद्वारे आउणा तदों जाणिआ जा सकदा जदों मिटै मोह, जदों साडे मन विचों मोह मिट जाए। मोह दा की अर्थ है? मैं बेनती कर रहा मोह माड़ा नहीं है, मोह दा अर्थ है निजी स्वार्थ, निजी स्वार्थ। मिटै मोह निजी स्वार्थ, राजनीतिक लोगों का निजी स्वार्थ है, गुरद्वारे प्रबंधक कमेटी का निजी स्वार्थ है, संगत दे विच भी निजी स्वार्थ है। निजी स्वार्थ के पिछे असी कई बार सिद्धांत छड जाते हैं। तुम घर देख लियो मिटै मोह तन ताप, तन ताप शरीर में बुखार चढ़िया है। देखो गुरु प्यारे हो शरीर में बुखार चढ़िया हो पैरासीटामोल खा लो बुखार उतर जाएगा, एक दिन में 3 वारी दवाई खा लो बुखार उतर जाओ। ये मिटै मोह तन ताप, शरीर में ताप चढ़िया, यहाँ भाव अर्थ लवेंगे। तन दे नाल की है
ज्ञान इंद्रे। ज्ञान इंद्रिया विच की है? अखां, नक, कन, हाथ, पैर। जे वाकई गुरुद्वारे आ गए तो घटो घट तेरे शरीर के ज्ञान इंद्रिया जेड़ा बुखार चढ़िया होया बुखार उतर जाएगा। अखां नूं बुखार चढ़िया पराया रूप तकद है, रेप दीआं घटनावां वापरदीआं ने, ये ताप चढ़े हुए इंसान दीआं कान घटनावां सारियां जिन्हां नूं ताप चढ़िया, अखां नूं ताप चढ़िया, कन्नां नूं ताप चढ़िया। किहड़ा परिवार आ जिथे आनंद कार्ज के समय जां जिथे अखंड पाठ साहिब की समाप्ति तो बाद घरां दे विच रात नूं वो डीजे नहीं वजिया, वो डीजे कहिंदे कि पीजे कहिंदे, कुछ तो कुछ है ही जिहड़ा वजदा है, सब प्रोग्राम च वज रहा है, बाहां उच्चियां करके नची जा रहे हैं। ताप चढ़िया जां नहीं चढ़िया फैसला तुसीं करना है। शरीर नूं ताप चढ़िया, अखां नूं ताप चढ़िया, गुर लागा अखंड पाठ कराया तदों समझा जा सकता है जे भैड़ियां बीमारियां तो असीं बच जांदे। ते भैड़ियां बीमारियां दे गुरु प्यार वाले उत्थे ने। हुण नशियां दी गल लै लो, पंजाब च नशा बेहद बहुत ज़्यादा है तो मन्निया जा सकता है, पर हुण निगाह मार के देख लो भी आया साडे विआहां शादियां विच नशा चल रहा कि नहीं चल रहा। ये मोटमोगी बीमारी, जे साडे विआहां शादियां विच नशा चल रहा है वह बीमारी पंजाब विच, वह बीमारी तुहाडे है। जे घाटे आ जे परिवारां च नहीं कर रहा तो गुरु प्यार वाले उन्हां परिवारां नूं मुबारक है अच्छे जेड़े इस ताप दे विचों बचे हुए ने। मिटा मोह तन ताप, शरीर नूं बुखार चढ़िया होया, हरख सोग दाजै नहीं। हरख सोग, हरख दा अर्थ है खुशी, सोग दा अर्थ है चिंता। अच्छा, बंदे दा मुंडा विआह गया, खुशी होनी चाहिए है ना, लड़की विआई गई खुशी होनी चाहिए है ना, ना रब रब करो बंदियां नूं ये कालियां खुशियां ने। बच्ची दा वार घर नहीं लभ रहा, चिंता होनी चाहिए है ना, ये चिंता नहीं सानू हैगी। मेरे बेटे पास हो गए चंगे नंबर लैके, मैं खुशी होनी चाहिए है ना, रब रब करो ये कहदी खुशी है। तो खुशी कहदी है सानू, असी दो परिवार इकट्ठे वीजा लैन वास्ते गए हैं अमेरिका एम्बेसी विच, सोचिया इको गली विचों चले हैं आपां, इको ही गड्डी कर लीए पैसे अद्धे अद्धे हो जाएंगे। चलो ठीक है, दो परिवार चले गए अमेरिका एम्बेसी पहुँच गए। हुण की हो गया, मैनू वीजा मिल गया, नाल दे परिवार नूं वीजा नहीं मिलया, ठीक है ना। मैनू खुशी होनी चाहिए सी कि मैनू वीजा मिलया, ना ना रब रब करो ये कोई खुशी नहीं, मेरी खुशी डुल डुल पै रही है कि मेरे गवांढी नूं वीजा नहीं मिलया, आ खुशी है मैनू। साडी बेटी दा रिश्ता चंगे परिवार अमेरिका हो गया, खुशी होनी चाहिए आ, ना ना खुशी ये है कि गवांडियां दी लड़की नूं वेखण वास्ते आए सी, वो पसंद नहीं आई साडी जा रही है, इन्हां दी नहीं गई, ना जाण दी मैनूं खुशी बेहद आ, अपनी लड़की दे चंगे वार कर दी खुशी नहीं है। ते चिंता की है? चिंता मेरी बेटी दे नंबर बहुत घट आए हैं, मैनूं चिंता होनी चाहिए है, मैं ट्यूशन दा प्रबंध करां ना। मैनूं चिंता की है? मेरे भरा की लड़की नंबर बहुत ज़्यादा आ गए, मैं वढ़ वढ़ के खाई जा रही है, गल अंदरों की यदा गांह लंघ गई हूँ, ये चिंता है। यानी अपनी खुशी कोई नहीं, अपनी चिंता कोई नहीं, गवांढ़ियों की खुशी से गवांढ़ियों की चिंता मैं भड़था होया पिया है। ख्याल करके वेख लो, साढ़े परिवार की कहानी यो है, कोई दसदा तो कोई नहीं दसदा। असी बेलोड़ियाँ खुशियों में, बेलोड़ियाँ गमियों के असी भड़था होए हुए हैं। ये चार गलों समझ लीए, कबीर गुर लागा गुरु ग्रंथ साहिब जी के कोल बैठना तदों जाणिया जा सकता, दीवान की हाजरी भरी तदों जानी जा सकती है, लंगर बनाया तदों जाणिया जा सकता है, जोड़े रखे तदों जाने जा सकते हैं, गुरु प्यार वाले संगरांदा दे आउणा तदों जाणिया जा सकता है, गुरपुरब मनाया तदों जाणिया जा सकता है जदों मेरे मन विचों एक तां निजी स्वार्थ मुक जाए, तो जदों मेरे ज्ञान इंद्रियां नूं चढ़िया होया बुखार मुक जाए, जदों मेरे मन विचों बेलोड़ियां खुशियां ते बेलोड़ियां जिहड़ियां गमियां ने ये मुक जाण, फिर की आ तब तदों हर आपे आप उह सिर दे उत्ते फिर की आ रब दा टिका है, वो बंदा रब दा रूप है, वो बंदा फिर रब दा रूप है। फिर निशानी की है? प्रभ मिलने की यह निशानी, मन एको सच्चा हुक्म पछाणी, सहज संतोख सदा त्रिपतास है, आनंद खसम कै पाणी जियो। तो गुरु प्यार वाले ये सन
अज गुरमतियां विचारां इत्थों आरंभ कीतियां सी कि गुरबाणी दे ज्ञान नूं आपां समझीए ते जिहड़ी साडी बणी हुई कर्मकांड दी शरधा उह टुट जावे ते ज्ञान वाली शरधा साडे घर विच आ जावे समाजिक रीतियां विचों बच जाइए ते तां कहा जा सकदा वी मेरा रमाला हो चढ़ाया होया वी सफल है गुरुद्वारे दी हाजरी भरी हुई भी मेरी सफल है। तो मैं इन्हां शब्दां दे नाल आप सारी सत संगत दा धन्नवाद करदा होया इलाका निवासियों का धन्नवाद करदा होया इत्थों दे प्रबंधकां दा धन्नवाद करदा होया सब तो खुशी दी गल है तुसीं बड़ी एकागर चित दे नाल इन्हां विचारां नूं सरवण कीता। मैं नौजवान बच्चों नूं एक बेनती जरूर करांगा भी प्यारे बच्चिओ तुसीं कलगीधर दी संतान जी तुसीं कलगीधर दी कौम दे वारस बनना आने वाले समय अंदर तुहाडे मोढ़िआं ते इह भार है कौम दा इसलिए घट्टो घट अपनी पछाण बनाउण लग्गिआं दसार दा वसा ना करो दस्तार नूं जरूर सिर ते सजाओ। जदों मैं देखदा भी सोहना दाड़ा मूँह दे उत्ते निक्की जी पटकी बद्धी है बड़ा दुख हुंदा है भी अजे तक इन्हें कलगीधर पिता की महानता नहीं समझिया अजे तक इन्हें छोटे साहबजादे शहादत नहीं समझिया अजे तक इन्हें बाबा बंदा सिंह बहादुर की शहादत भी नहीं समझ का यतन किया भलिया बनते कदे इतिहास नहीं इस गले असी राजे के किन्ने पूर जमे आने वाली पीढ़ियाँ पूछना है किहड़ी कौम ने बहुते शहीद जमे अमर रहिंदियां जगते वह कौम जिहदे वीर कदे घर ना घालदे ने छन्ने खोपड़ी दे फड़ के पुत जिहदे अपनी कौम नूं अमृत प्यालदे ने छन्ने खोपड़ी दे फड़ के पुत जिहदे अपनी कौम नूं अमृत प्यालदे ने। तो तुहाडी एकाग्रता दा मैं धन्नवादी हाँ अगलियां विचारां जिहड़ियां ने मेरे छोटे वीरां कोलों सरवण करो आप संगत दे अंदर मेरे छोटे वीर सरबजीत सिंह धूंदा सुखविंदर सिंह ददेर उन्होंने तुहाडे नाल विचार सांझे करने ने बाकी बचदे जिहड़े विचार ने उह शाम दे दीवानां विच तुहाडे नाल सांझे करन दा यतन करांगे। मैं बेनती करांगा छोटे वीर सरबजीत सिंह धूंदा नूं उस स्टेज ते आउण ते गुरमत दे विचार आप संगत दे नाल सांझे करन मैनू खुशे बख्शिश करो ते प्यार नाल फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।